एवरीवन, मैं हूँ रश्मि मैम और आज हम मिलते हैं नई क्लास में नई एनर्जी के साथ। और आज हमें करना है एक्सरसाइज 1.2 का फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन। लास्ट जो वीडियोस मैंने बनाए हैं उसमें 1 और 2 किया है और उससे पहले रसना नंबर के सारे चैप्टर्स को हमने किया है। कोई भी डाउट हो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर पिछले वीडियोज को देख सकते हैं, वहां से आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ एक्सरसाइज 1.2 का फिफ्थ क्वेश्चन। चलिए चलते हैं, सॉल्व करते हैं। यूजिंग कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें बस इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना है और उसको यूज करते हुए इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन को ये बड़ा देख करके हमें घबराना नहीं है, हमें बस इसे इस प्रॉपर्टी को इन दोनों प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन्हें रीअरेंज करेंगे। पहले मैं क्वेश्चन लिखती हूँ, +7/3 -4/5 -1/3। ओके, तो रीअरेंज करेंगे, 5 और 5 डिनोमिनेटर वाले सेम है तो इन्हें हम एक साथ लिखेंगे। 2/5 माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस साइन को मैं यहीं पे चेंज कर दे रही हूँ। देन 7 वाला 3 वाला 7/3 7 और 1/3 ये दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो इन्हें हम एक साथ लिखते हैं, प्लस माइनस माइनस 1/3। इन्हें एक ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। देन यहाँ 5 और 5 का एलसीएम क्या होता है, 5। 5 1s are 5, 2 1s are 2, -5 1s are 5, 1 4s are 4, +3 3 का एलसीएम 3 होगा, 3 1s are 3, 7 1s are 7, -3 1s are 3, 1 1s are 1। 4 बिगर नंबर है, यहाँ पे प्रोसेस सब्ट्रैक्शन का होगा, 4 -2 2 होगा एंड साइन विल बी -2/5 प्लस यहाँ क्या होगा, 7 -1 6/3। आप इसे यहाँ पे कट भी कर सकते हैं, 3 2s are 6 -2/5 +2/1। अब यहाँ पे देखो डेनोमिनेटर को सेम करना है, यहाँ पे एलसीएम में निकाल सकते हो, 5 और 1 का एलसीएम 5 होगा, बिगर नंबर इज 5 और 1 तो सबकी टेबल में आता है। 5 1s are 5, 1 2s are 2 -2 प्लस 1 5s are 5, 5 2s are 10। तो यहाँ पे क्या होगा, 10 -2 8, बिगर नंबर इज 10 तो साइन प्लस का होगा, 8/5 ये आपका आंसर हो गया। क्लियर, यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है, ये आपको ध्यान में रखना है, बस इसको यूज प्रॉपर्टी को यूज करते हुए आपको इसे अरेंज करना है। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 3/7 4/7 सॉल्यूशन करते हैं इसका। 3/7 प्लस -4/9 प्लस -11/7 प्लस 7/9। अब क्या करना था हमें, यहाँ पे इन्हें रीअरेंज करना था, 7 और 7 को एक साथ लिखेंगे, 3/7 प्लस -11/7 देन 9 एंड डिनोमिनेटर वाले को एक साथ लिखेंगे 7/9, ब्रैकेट में एक साथ करेंगे, डिनोमिनेटर 7, 7 7 का एलसीएम 7, 7 1s are 7, 3 1s are 3 प्लस माइनस माइनस 7 1s are 7, 1 11s are 11 प्लस डिनोमिनेटर 9 बिकॉज एलसीएम इज 9, 9 1s are 9, 4 1s are 4 प्लस 9 1s are 9, 1 7s are 7 11 माइनस 3 सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस होगा, आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ पे आ जाएगा 8/7 एंड साइन माइनस होगा क्योंकि 11 के साथ माइनस का साइन है, बिगर नंबर साइन यूज होता है। 7 -4 3/9 यहाँ भी आप देख रहे होंगे, 3 3s are 9 ये कट हो जाएगा, -8/7 प्लस 1/3। अब देखिए इसका एलसीएम हम निकालेंगे, इसके दो तरीके होते हैं, एक तो मैं आपको यहाँ एलसीएम लेके बता रही हूँ, दूसरा एक तरीका होता है क्या करेंगे दोनों के डिनोमिनेटर को, एक मैं दोनों ही बता देती हूँ अभी। यहाँ पे 7
और 3 का एलसीएम नहीं निकलेगा जब दोनों सेम किसी टेबल में नहीं आते तो हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 3 21 7 3 21 3 8 24 माइनस प्लस 3 7 21 7 1 7। अब 24 में से आप क्या करोगे, 7 को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, -17/21। अब इसका एक और क्या तरीका होता है, -8/7 + 1/3 है, तो आप क्या करोगे ऐसे कंडीशन में, 3 से इसके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करोगे, 7 से इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, -8/7 × 3/3 + 1/3 × 7/7। 8 3 = 24 - 21 + 7/21। अब सेम डिनोमिनेटर हो गया तो इस केस में आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगा नहीं, डिनोमिनेटर 21 हो जाएगा, एलसीएम 21 हो जाएगा और ऊपर वाले को एज इट इज सेम लिख देंगे, +7 = -17/21। ठीक है, ये दो तरीके होते हैं, आप किसी भी तरह से सॉल्व करोगे सही होगा आपका, या तो आप ऐसे करो या फिर ऐसे करो, दोनों ही राइट होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन 2/5 + 8/3 + -11/15 + 4/5 + -2/3। ठीक है, यहाँ भी हम क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने के लिए हमें क्या दिख रहा है, 5 और 5 डिनोमिनेटर वाले को एक साथ लिखेंगे। अब क्या दिख रहा है आपको, 3 और 3 वाला, इन्हें एक साथ लिखेंगे, 8/3 + -, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 2/3। रेस्ट क्या बच गया, 15 वाला, तो प्लस और माइनस यहाँ पे हम माइनस कर देते हैं, 11/15। ओके, अब इसे आप ब्रैकेट में क्लोज करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज हो जाती है, दिस इज 5 5 और 5 का एलसीएम 5, ऊपर वाले एज इट इज लिखेंगे, करते करते हमारा प्रैक्टिस में आ जाता है तो फिर पता चल जाता है कि क्या करना है। यहाँ पे 3 8 - 2 - 11/15 4 + 2 6/5 + 8 - 2 6/3 - 11/15। ओके, अब देखिए यहाँ पे सबके डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो आप इसको क्या करोगे, इन तीनों का एलसीएम निकालोगे, तीनों देखो आपको 3 की टेबल में भी 15 आता है, 5 की टेबल में भी 15 आता है, तो इनका एलसीएम हम 15 ले लेते हैं। बिगर नंबर 5 3 = 15 3 6 = 18 + 3 5 = 15 5 6 = 30 - 15 1 = 15, यहाँ 11 आ जाएगा। अब क्या करोगे, 18 और 30 को ऐड करो, 48 - 11/15। 48 में से 11 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 7 4 - 1 3 15, दिस इज योर आंसर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज योर होमवर्क, ये आपका होमवर्क है फोर्थ क्वेश्चन। चलिए, आपको अगर मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे भी मेरे वीडियोस मिलते रहें, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाइए, और आपको कोई भी डाउट हो उसमें कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट डाल सकते हो, जिससे कि मैं आपके आपको उसका सॉल्यूशन दे सकूं, ठीक है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है, रीअरेंज सुटेबली एंड फाइंड द सम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये सेम क्वेश्चन है, यहाँ भी हमें रीअरेंज करना है और एडिशन करना है। क्या करेंगे, यहाँ पहले हम क्वेश्चन नोट करेंगे, साइन का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे साइन की मिस्टेक्स होने से पूरे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, सिली मिस्टेक्स बोलते हैं इसको, एक प्लस और माइनस के मिस्टेक होने से आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है, इसलिए आप इसका ध्यान रखा करें। तो सबसे पहले इसे हम अरेंज करेंगे, ये तो आपको अरेंज ही दिख रहा है, तो इसे हम ऐसे ही एज इट इज लिख देते हैं, +(-17/3) + 11/2 + -(-25/2, इसे हम ब्रैकेट में डाल देते हैं, 11/12
माइनस 17 अपॉन 3 प्लस एलसीएम इज 2 11 माइनस 25 11 अपॉन 12 माइनस 17 अपॉन 3 प्लस ये क्या हो जाएगा, तो 25 में से 11 को माइनस करेंगे तो 5 माइनस 14 आ गया साइन माइनस 2। अब सबके डिनोमिनेटर अलग अलग हैं तो क्या करेंगे, 3 के टेबल में भी 12 आता है, 2 के टेबल में भी 12 आता है, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 12, बिगर नंबर 11 माइनस 3 के टेबल में 4 टाइम्स में 4 इंटू 17 68 प्लस माइनस माइनस 2 के टेबल में 6 टाइम में आता है, टेबल में 6 टाइम में आता है, तो 6 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 84। 11 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आएगा 152 माइनस 152 अपॉन 12। 152 में से 11 को माइनस करेंगे प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन होगा, ये छोटी छोटी बातें बताने वाली नहीं है अब आपको। 12 दिस इज योर आंसर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन सॉल्यूशन, माइनस 6 अपॉन 7 प्लस माइनस 5 अपॉन 7, कोई भी माइनस का साइन कोई भी प्लस का साइन छूटना नहीं चाहिए। माइनस 15 अपॉन 7 रीअरेंज करते हैं इन्हें, रीअरेंज करेंगे तो क्या होगा, 7 वाला डिनोमिनेटर एक साथ ले लेंगे प्लस माइनस 5 अपॉन 6 प्लस माइनस 4 अपॉन 9। ओके अब चाहो तो यहाँ पे भी साइन को चेंज कर सकते हो मल्टीप्लाई करके। अब इन्हें हम ब्रैकेट में डाल देंगे और ये तो इंडिपेंडेंट रहेंगे बिकॉज इनके डिनोमिनेटर अलग अलग हैं। 7 माइनस 6 प्लस माइनस माइनस 15 प्लस माइनस माइनस 5 अपॉन 6 प्लस माइनस माइनस 4 अपॉन 9। 15 एंड 6 को ऐड करेंगे, 15 और 6 को जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, 21 माइनस 21 अपॉन 7 माइनस 5 अपॉन 6 माइनस 4 अपॉन 9। अब इन तीनों का हम एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम के लिए इधर हमें हमेशा रफ स्पेस रफ वर्क के लिए जगह रखनी होती है। 7, 6 और 9 का एलसीएम निकालो क्या होगा, तीनों ही अलग अलग में आएंगे। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लो क्या आ जाएगा, 7, 6, 9। एक मिनट, यहाँ पे हम इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। माइनस 3 अपॉन 1 कर लेंगे, 5 अपॉन 6 से इजी हो जाएगा थोड़ा। 6 और 9 का यहाँ पे एलसीएम निकाल लेंगे, ओनली 18 आ जाएगा यहाँ पे। 18 इंटू 3 54 माइनस 54 माइनस 6 3 जा 18 5 3 जा 15 माइनस 9 2 जा 18 4 जा 8 माइनस 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 तीनों माइनस माइनस के फॉर्म में है तो तीनों को हम ऐड करेंगे तो 77 आएगा। ये आपका आंसर हो गया, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। सॉल्यूशन, 3 अपॉन 5 प्लस 7 अपॉन 3 प्लस 9 अपॉन 5 प्लस माइनस 13 अपॉन 15 प्लस माइनस 7 अपॉन 3। रीअरेंज करेंगे 5 और 5, 3 अपॉन 5 प्लस 9 अपॉन 5 देन 3 डिनोमिनेटर वाला एक साथ माइनस 7 अपॉन 3, इसके बाद रेस्ट बचता है माइनस 13 अपॉन 15 इन द ब्रैकेट 5 3 प्लस 9। ये कर करके प्रैक्टिस करके आपकी कैलकुलेशन इतनी फास्ट हो जाएगी कि आपको कहीं मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और जितना कैलकुलेशन फास्ट होगा उतना जल्दी आप सॉल्यूशन कर पाओगे। 9 प्लस 3 12 अपॉन 5 प्लस 7 प्लस 7 प्लस माइनस 0 माइनस 13 अपॉन 15। ये वाला टर्म हमारा जीरो गायब हो जाएगा क्योंकि ये जीरो है, तो जीरो जीरो ये गायब हो जाएगा, इसे हम हटा देंगे 13 अपॉन 15। अब ये 5 और 15 है तो एलसीएम ऑब्वियसली 15 होगा, बिगर नंबर 15 है, 5 3 जा और 12 इंटू 3 करेंगे तो 36
माइनस 15 वन जा 13 हो जाएगा इज इक्वल टू व्हाट 23 अपॉन 15 इज योर आंसर. क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा. कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डालते जाइए दोबारा मैं उसका सॉल्यूशन दोबारा करके दिखाऊंगी या कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछिए. नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ सॉल्यूशन 4 अपॉन 13 प्लस माइनस 5 अपॉन 8 प्लस माइनस 8 अपॉन 13 प्लस 9 अपॉन 13 रीअरेंज करेंगे. यहाँ पे आपको तीन टर्म्स दिख रहे हैं एक जैसे प्लस माइनस माइनस 8 अपॉन 13 प्लस 9 अपॉन 13 प्लस माइनस माइनस 5 अपॉन 8. ओके अब इन्हें हम एक साथ कर देंगे इनका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 13. अभी सब 13 है तो ऊपर वाले एज इट इज नंबर्स आ जाएंगे 5 अपॉन 8 प्लस प्लस वाले को एक साथ ऐड करेंगे 9 और 4 13 माइनस 8 अपॉन 13 प्लस 5 अपॉन 8 13 में से हम 8 को माइनस करेंगे 13 माइनस 8 क्या होगा 13 माइनस 8 करोगे तो आप 5 अपॉन 13 प्लस 5 अपॉन 8 दोनों के डिनोमिनेटर अलग हैं तो फिर क्या करेंगे इन्हें हम मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि ये सेम टेबल में नहीं आते जब एलसीएम नहीं निकल सकता तो हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं 104 होता है 8 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा माइनस 8 13 5 65 में से 40 को माइनस करेंगे 25 आएगा साइन माइनस का यूज होगा 104 दिस इज योर आंसर. क्लियर चलिए अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ सॉल्यूशन 2 अपॉन 3 प्लस माइनस 4 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 5 रीअरेंज करेंगे 2 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस माइनस 4 अपॉन 5 प्लस 2 अपॉन 5 3 2 प्लस 1 प्लस माइनस 4 प्लस 2 अपॉन 5 3 अपॉन 3 हो जाएगा ये प्लस 4 में से 2 को माइनस करेंगे माइनस 2 अपॉन 5 हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस माइनस माइनस 2 अपॉन 5 इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 5 5 वन जा 5 माइनस 5 वन जा यहाँ पे 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 3 अपॉन 5 इज योर आंसर. क्लियर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आज का होमवर्क है ठीक है ये आप खुद से सॉल्व करोगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे ठीक है. आशा है कि आपको मेरे एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा होगा. अगर समझ में आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपको मेरा हर वीडियो मिलता रहे रेगुलर मिलता रहे और आप इसे लाइक भी जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ठीक है. चलिए अब आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं कल की क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ.